हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त समीर मकर और आप देख रहे हैं समीर मकर ई टू जेड रिपेयरिंग चैनल। तो हमारा पास देख सकते हैं आज भी एक 25 किलो का विथ मिसिंग का सर्किट, हमारा पास आज भी एक है। तो इसका फॉल्ट क्या है दोस्तों, वो हम आज इसमें जानेंगे, तो देखेंगे क्या फॉल्ट है। और दोस्तों हमारा साथ देखते रहिए, इसका फॉल्ट किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, तो वही हम इसमें। तो पहले एक आयरन को हीट कर लेते हैं, वायर लगाना है हमको इसमें डीसी 6 वोल्ट इनपुट करना है दोस्तों। तो इसका फॉल्ट आपके सामने ही होगा क्योंकि, तो हमारा साथ देखते रहिए किस तरह से ये फॉल्ट कहाँ है और कैसे ठीक होता है। तो देखते रहिए हमारा साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो सब्सक्राइब करो भाई, और लाइक और बेल आइकन भी दबा दो, जब जब नया वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से कौन से सबसे पहले देखने को मिले आपको वीडियो। तो दोस्तों इसमें वायर हम लगाकर कंप्लीट करते हैं। ये हमारा बैटरी है 6 वोल्ट का, इसमें दोस्तों 4 वायर चाहिए, एक डिस्प्ले चाहिए है। यहाँ पे दोस्तों पॉजिटिव दिया हुआ है, तो पॉजिटिव हम इस पे लगा देंगे और एक नेगेटिव लगा देते हैं। और जो हमारा स्विच का और जो वायर है वो दोनों यहाँ पे MS लगा हुआ है, उसमें हम दोस्तों स्विच का वायर लगाएंगे। और यहाँ पे AC देख सकते हैं, ट्रांसफार्मर से जो वायर जाता है ये दोनों पे लगता है। अभी हमारा ट्रांसफार्मर का कोई ज़रूरत नहीं, इसमें फॉल्ट क्या है वो हम पता करते हैं। तो डिस्प्ले का वायर हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो हमारा स्विच का जो वायर है वो आपस में शॉर्ट है, इसमें दोस्तों कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। हम बैटरी का वायर एकदम लगा देते हैं, उसके बाद मल्टीमीटर से हम इसका बल्ब नाप लेते हैं कहाँ से कहाँ तक ये वोल्टेज हमारा आता है। तो यहाँ पे दोस्तों एक टंगस्टन का जंपर लगा हो रहा है, तो जो जंपर वो रहने देते हैं हम। तो नेगेटिव एक वायर हमको नेगेटिव पे लगाना है, लगभग 3 वोल्ट यस बस। तो यहाँ पे कोई वोल्ट नहीं है। ये जो दोस्तों टंगस्टन है,
ये टेंडेस्टर की एक पिन से बोल्ट आउट हो रहा है, एक पिन पे बोल्ट है और एक पिन पे आउट नहीं हो रहा है। तो इसको हम खोल के मल्टीमीटर से ट्राई करते हैं। पहले हम बैटरी कनेक्शन को खोल लेते हैं। मल्टीमीटर को दोस्तों बजर मोड पे रख के इसको हम चेक करेंगे। बीच में दोस्तों प्लस वायर रख के माइनस को हम टेंडेंसर की एक पिन पे सपोर्ट करके आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे शो होके कोई शो नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो माइनस ऑयल को हम बीच में रख के, नहीं दोस्तों कोई मेरे हिसाब से दोस्तों ये टेंडेस्टर ख़राब है। तो दोस्तों ये 2950 का टेंडेस्टर है दोस्तों। पहले हम वीडियो बनाया था इसका ही है, वो टेंडेस्टर सही था तो भी उसमें काम नहीं हो रहा है। तो दोस्तों इसमें हम यूज़ करेंगे अलग टेंडेस्टर जिसमें नंबर होता है 7812। उसमें दोस्तों अलग टेंडेस्टर लगाया था हमने आपके सामने, दिखा दे रहा हूँ। तो 7812 ये पहले दोस्तों हम इस शोल्डर को डिस शोल्डर की मदद से हम पिन को साफ कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें हम टेंडेस्टर को लगा ही देते हैं। पूरा सब कर दिया है हमने डिस शोल्डर की मदद से। फैन बैटरी हमारा चार्ज थोड़ा कम है तो इसको सोल्डरिंग कर ही देते हैं। पूरी तरह से हम सोल्डरिंग कर दिया है।
इसका डिस्प्ले जो को हम दिखाते हैं, तो देख सकते हैं फ्रेंड हमारा कंप्लीट डिस्प्ले आ गया है। तो इसको हम विथ मशीन जो कंप्लीट पे लगाकर हम आपको दिखाते हैं। तो सारा वायर को हम खोल लेते हैं। ये डिस्प्ले भी हमें अलग कर देते हैं क्योंकि ये हमको ट्राई करने के लिए है। तो ये बैटरी भी हम साइड कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें हम मदरबोर्ड को यहाँ पे लगा देते हैं। फटाफट हम वायर को सोल्डरिंग कर देते हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर का जो एसी दोनों हम लगा देते हैं। जो हमारा वुड सेल का जो वायर है वो सील कर हम सोल्डरिंग कर ही देते हैं।
कंप्लीट हमने वायर को लगा दिया है। अब इसमें डिस्प्ले का जो वायर है वो हम लगाएंगे। दोस्तों डिस्प्ले का वायर हमने लगाकर कंप्लीट, जिसको एक बार पावर स्विच देकर चेक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारा कम्प्लीटली तैयार हो गया है दोस्तों। तो इसको अब फिटिंग करना है, तो फिटिंग करना है और जो यहाँ पे जो तेर बोतम M2, M+, M4 देख सकते हैं, ये वायर यहाँ पे जाएगा दोस्तों। यहाँ पे जाके कम्प्लीटली हमारा फिटिंग करके तैयार हो गया है विथ मिशिंग। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा देखकर ज़रूर कमेंट पे ज़रूर बता दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो भाई चैनल को, इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन भी दबा दो। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।